अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ व उन्नाव जनपद के नोडल अधिकारी चंचल तिवारी ने आज बांगड़मऊ क्षेत्र अंतर्गत गुंजमऊ राधाबाद नगर की सीएससी नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र व नगर पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद जनपद के नोडल अधिकारी चंचल तिवारी ने बांगड़मऊ कोतवाली का निरीक्षण किया व कोतवाली प्रभारी से लंबित विवेचनाओं को जल्द से जल्द निष्कारण करने का आदेश दिया। किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए बार बार कोतवाली न दौड़ना पड़े ऐसे भी हिदायत दी गई। इसके बाद नोडल अधिकारी चंचल तिवारी बांगड़मऊ तहसील पहुँचे, तहसील में रजब अभिलेखों की विस्तृत जाँच की। अपर मुख्य सचिव रजब विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं खाद्य जनपद के नोडल अधिकारी चंचल तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि जनपद उन्नाव में आपराधिक घटनाओं को लेकर जो लंबे विवेचनाएं पड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जनपद के उच्च अधिकारी भी गेहूं क्रय केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं को शीघ्र दूर करें और आम जनमानस से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही योजनाओं व लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश जनपद के अधिकारियों को दिए जाए। पंचायत में पंचायत में मतलब प्रधान ने मिलजुल के लिए कौन सा गाँव भिखारी को जी हाँ साहब कोई सुनवाई नहीं होती 6 बजे से हम बड़े करके हुए हैं उसको मैंने देखा था सर मामला क्षेत्र में भेज दी है और लेकिन केसेस की विवेचना और विवेचना होने के बाद चार्जशीट और मोटर भेजी एक्सेप्ट बहुत कम की है तो उसमें मैंने पार्टी को लाने कहा जा रहा हूँ सर जो राहत है पूरी पार्टी अभी मैंने डीएम साहब ने चेक किया है और जो लोग जान माली का जान माल और जान का जो हानि हुई है उसमें वितरण कर रहे हैं पहले वितरण हो चुका है राहत का यहाँ पे ये जो गेहूँ खुले हुए हैं किसानों की शिकायतें आ रही है कि ऐसा नहीं हाँ ठीक है आप बता दें जो भी प्रधान है इससे पहले भी हुए कई प्रधान शिकायत आई थी कार्रवाई की जी जी बांगड़मऊ है सर कई काली मिट्टी है काली मिट्टी कई जगह है सर ज्यादातर शिकायतें प्राप्त जो स्पेसिफिक खुद गए हैं अच्छा सर उन्नाव जिले में अधिकतर है जो हत्याएं हो रही हैं एक के बाद एक चाकू से गोदा जा रहा है सर हत्याओं का तो जो भी कारण है विवेचना करेंगे उसमें जो भी होगा उसका अंकुश लगाएंगे अभी एसएसपी भी चेंज किया तो कॉलोनी में पैसा नहीं रहा था।